हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं। चलिए आज आपको दिखाते हैं कि हम लोगों ने कैसा स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है अपने क्लिनिक पे। चलिए आज आपको दिखाते हैं यहाँ का स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर डिज़ाइन देखिए। आइए आपको प्रोसेस दिखाते हैं। देखिए, पहले मार्किंग किया हुआ था, अब उसके ऊपर ये मास्किंग टेप लगाकर यहाँ पे मार्किंग टेप वो नहीं दिख रहा है, ज़्यादा हो गया है। देखिए इस तरह, एक सेकेंड ना, देखिए ये एक मार्क हो गया। ऊपर वाली जो लाइन थी उसी से मार्किंग करके अब भैया लगा रहे हैं दूसरी मास्किंग टेप। देखिए अब ये मार्किंग के एग्जैक्ट नीचे आ गया है। देखिए अब देखिए टेप में, टेप का दिखाइएगा एक बार। देखिए टेप में, एक सेकेंड, टेप में यहाँ पे एक मार्क किया हुआ है कलर से। इस मार्क के हिसाब से नीचे घिस दिए, ये दूसरा मार्क हो गया, दूसरा मार्क हो गया। अब यहाँ से एक टेप लग जाएगा, इस तरफ भी एक मार्क है, इस पर टेप लग गई। सेम इस तरफ भी मार्किंग किए हुए हैं, ये तो मैं वीडियो में बता रहा हूँ कि इस तरफ भी मार्किंग किए हुए हैं। ये जो हल्का सा टेढ़ा हो गया था तो उसे फिर से मार्किंग करके भैया ने करेक्ट कर दिया है। मास्किंग टेप लगाने के बाद कुछ इस तरह की दिखती है दीवार। देखिए अभी ये पहला वाला है, बेसिक वाला जो हॉरिजॉन्टल हुआ है। अब इसके ऊपर वर्टिकल लगेगा, यहाँ पे वर्टिकल मार्किंग होगी, ठीक है, वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरह की ये मास्किंग टेप आती है। कितने रुपए की होती है भैया ये मास्किंग टेप? 60 रुपए की मास्किंग टेप होती है। देखिए अब एक ईंट के साइज का नाप ले लिए भैया। देखिए अब इसमें ईंटों का स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब खड़ी लाइन बनेगी इसमें। वहाँ से अब दूसरी खड़ी लाइन आएगी जिसका मार्किंग कर रहे हैं। आइए इधर से देखते हैं। फिर इसके बाद आपको आइडिया आ ही गया होगा कि बीच बीच में से टेप कट जाएगी एक ईंट के हिसाब से,
जहाँ पे ये आधी ईंट है, एक मिनट दिखा देते हैं, जहाँ पे ये आधी ईंट है वो एक पूरी हो जाएगी, और जहाँ पे पूरी ईंट है वहाँ पे यहाँ से ये एक पूरी ईंट दिखेगी, और यहाँ पे कट जाएगा, अब ये रहेगा। हाँ, तो ये इतना हिस्सा रहेगा, ये वाली पट्टी कट जाएगी, यहाँ से एक और ईंट हो जाएगी, उस तरह से ये पूरी ईंट है तो यहाँ से पूरी ईंट रहेगी, तो ये पट्टी निकल जाएगी कट के, और यहाँ से ये पट्टी निकल जाएगी। अच्छा, देखिए टेक्सचर का मटेरियल रेडी मिलता है, जिसमें स्टेनर कलर डालकर आप अपना मनचाहे कलर बना सकते हैं, चाहे तो लाल ईंट बना सकते हैं, चाहे तो काली। यहाँ पे जिस हिसाब से ये थोड़ी काली दिख रही है, ग्रे है, मतलब डार्क ग्रे है, तो ये डार्क ग्रे का स्ट्रक्चर आप, इसके लिए आप मटेरियल कलर आप पसंद करके इस डार्क ग्रे की ईंट के लिए उस हिसाब से कलर आप कलर वालों से बात करके स्टेनर खरीद कर आपको जो तैयार मटेरियल आता है उसमें बस डाल देना है, मिक्स कर लेना है। और जैसे कि आपको बताया उस हिसाब से आप मटेरियल ले सकते हैं। फिर पट्टी काटने के बाद इसका इस्तेमाल होगा, ये रोलर है, इससे अच्छे से आप रोल करके कलर को फैला सकते हैं। और जब एक बार कलर कर दिया आप, फिर वो बस पट्टी को निकालना है खींच खींच कर, ठीक है। देखिए ये हमारा मटेरियल रेडी है, POP लाइटिंग और टेक्सचर के साथ इसका लुक काफ़ी चेंज हो जाएगा। और ये नीचे बड़ी बड़ी टाइल्स डाली हुई है दीवारों में, ताकि जो सीड़न की दिक्कत होती है बारिश में, ज़्यादातर जब पानी रुकता है तब सीड़न होता है, कलर निकल जाता है, वो दिक्कत काफ़ी रहती है। तो इस हाइट तक यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, इस वजह से यहाँ पे इस लेवल तक का एक कर ही दिया है, टाइल्स का टाइल्स लगाई दी है परमानेंट। आइए अब आपको कटिंग दिखाते हैं। देखिए कैसे कट किया जाता है, इसी पत्र की मदद से ही सीधा कट रहा है, उसे निकाल कर नीचे रख दिया। चलिए अब हम कलर की प्रोसेस करेंगे, सारी चीज़ें हैं हमारे पास रेडी। ये रही कलर की बाल्टी, सबसे पहले हम अपने पत्रे को क्लीन कर लेंगे, ताकि लेवलिंग वगैरह से एकदम सही से हो। मटेरियल निकालें पत्रे पर लगाकर नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना है। फिर ऊपर से नीचे जहां जिस हिसाब से जरूरत हो आपको, काफी गाढ़ा है,
रफ मटेरियल है। हाँ काफ़ी रफ मटेरियल है। पकड़ो यार, अच्छा भैया जनरली इसमें कितने का चार्ज होता है इसका? अच्छा देखिए 25 किलो की बोरी आती है टेक्सचर की, जो मटेरियल होता है टेक्सचर का उसका, ये हमारे वडोदरा का ही है, बाघोड़िया में बनता है। एडिसन पेंट टेक्सचर फिनिश यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा, टेक्सचर फिनिश लिखा है। ये 25 केजी का है, 1200 रुपये में परचेस। अब हम रोलर घुमाने जा रहे हैं, इसे हम पानी में क्यों डुबा कर किए भैया? पानी में कई माल क्या है, लीवर हो गए, पतरे का धागा दिख रहा है ना? हाँ वो ना दिखा। अच्छा अच्छा, पतरे का धागा निकल जाएगा, एक लेवलिंग हो जाएगा इस रोलर से। काफी फर्क पड़ गया है, पतरे की वजह से जो थोड़ा उबड़ खाबड़ था वो थोड़ा लेवल हो रहा है। जैसे सूखने से पहले अगर टाइम से घुमा दे तो और सही से हो जाएगा ना? नहीं चले, कभी भी मार सकते, कभी भी मार सकते हैं, लेकिन जैसे मटेरियल अगर सूख गया, अभी नहीं सूखे तो बहुत टाइम लगता है, सूखने में टाइम लगता है। मतलब पूरी दीवार अगर, ये लंबी जो दीवार है वो पूरी एक साथ पतरा घुमा कर अगर बाद में करे तो भी हो सकता है ना? चलिए अब पट्टी निकाल लेते हैं। ये सारी पट्टियाँ एक दूसरे से चिपकी हुई होती है, तो अगर आप एक पट्टी खींचेंगे तो दूसरी आपको दिख ही जाएगी कहाँ से खींचनी है, ज़्यादातर आपको ऐसे डायरेक्ट उठी हुई मिल जाएगी, आप उसे वहीं से निकाल सकते हैं। हमने ये थोड़ी थोड़ी पट्टियाँ एक्स्ट्रा छोड़ के रखी थी खींचने के लिए, दोनों तरफ वहीं से खींच रहे हैं। ये पट्टी खींचने से जो ऊपर चिपकी हुई पट्टियाँ थी वो निकल रही हैं। ये जब ताज़ा ताज़ा आप मटेरियल लगाए तभी से निकालना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि सूखने के बाद ज़्यादातर पट्टियाँ सही से नहीं निकलती और आपका टेक्सचर बिगड़ सकता है। आइए कहीं दिखाते हैं, हल्का फुल्का जो बिगड़ जाता है इस तरह से, तो बाद में आप रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन सूख जाने के बाद थोड़ी दिक्कत हो जाती है। देखिए जैसे कि ये यहाँ पे बिगड़ गया है, तो सूख जाने के बाद इस पर यही प्रोसेस हम फिर से रिपीट कर देंगे, जहाँ जहाँ पे ये छोटा मोटा बिगड़ा हुआ है।
तो लंबा बनाने के लिए ये जो ये लंबी लंबी पट्टियाँ होती है इनको बनाने के लिए एक कोने से स्टार्ट करते हैं, उसी पट्टी को खींच के दूसरे मार्किन तक ले जाते हैं। ठीक है, एक बंदा यहाँ से पकड़ के रखेगा नीचे की साइड से, दूसरा उसे ले जाएगा दूसरे कोने तक खींच के वहाँ पे जो मार्किंग है। इस तरह से होता है लंबी लंबी दीवारों का काम। देखिए अब ये फिनिशिंग की तरफ आ चुका है वर्क हमारा। ये एसी के ऊपर का हिस्सा जो थोड़ा बहुत रह गया था, तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।